छुटपलपुर में जो अंकित वर्मा जी है, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा एक बार थोड़ी पीछे की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेगा। अंकित वर्मा जी जो है जो निर्दलीय प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी से टिकट कटने के बाद अब जो है यहाँ पर जो है चुनाव लड़ रहे हैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अंकित वर्मा। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो है अब क्या माहौल है, किस नजरिए से और कैसे देख रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय गोयल है, मैं छुटमलपुर वैश्य सभा का अध्यक्ष हूँ वर्तमान में, और वैश्य समाज ने एक मत से अंकित वर्मा जी को समर्थन दिया है। और अंकित वर्मा जी के वोटों की गिनती ही लगभग 2800 से शुरू होगी, क्योंकि यहाँ पर वैश्य समाज के 2200 वोट हैं। तो मैं मानता हूँ अगर 1800 वोट भी इनके पड़ेंगे इनके समर्थन में, तो अंकित वर्मा जी पूर्व में प्रधान का चुनाव लड़ चुके हैं, इनको 950 वोट मिले थे, इनकी गिनती ही 2900-3000 से शुरू होगी। और मुझे उम्मीद है अंकित वर्मा यहाँ पे भारी मतों से जीतेंगे, क्योंकि सर्व समाज का वैसे समाज को देख के और सर्व समाज के लोग अंकित जो है अंकित वर्मा ये भी भाजपा में रहे, लेकिन टिकट कट गया उसके बाद में अब निर्दलीय है, तो और भी जो है जो बीजेपी के है और भी वो सामने खड़े हो, तो इससे कोई प्रभाव पड़ेगा? देखिए भाजपा क्या है, भाजपा तो विचारधारा है, जो अंदर की विचारधारा है, टिकट कटने से विचारधारा तो नहीं मरेगी ना, विचारधारा तो हमारे विकास की है, हमारे सुशासन की है और सद्भाव की है, प्रेम की है। बताया जा रहा है इससे वोटों में बंटवारा हो सकता है? वोटों में बंटवारा यहाँ पर सर्व समाज के लोग हैं, वोटों में बंटवारा कहाँ है, या हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, और सैनी समाज है, कश्यप समाज है, कौन सा ऐसा समाज है जो यहाँ नहीं है, राजपूत समाज है और वाल्मीकि समाज है, SC है, हर वर्ग का यहाँ पर वोट अंकित वर्मा को परिवर्तित होगा आज। और आप भी पहुंचे यहाँ पर, क्या कहेंगे? देखिए हमारा अंकित को सपोर्ट इसलिए है क्योंकि एक तो युवा है, और जो पिछले दूसरे प्रत्याशी हैं उनको बार बार मौका मिल चुका है, और पार्टी की तरफ से जो इस बार उम्मीदवार बनाया गया है उनको पहले ही 3 बार प्रधान बनने का मौका मिल चुका है। तो सर्व समाज इसलिए अंकित को एक युवा साथी को चुनना चाहता है, जो सबके सुख दुख में खड़ा है, बिना स्वार्थ के खड़ा है, उसको किसी चीज़ का लोभ नहीं है, और वो समाज की प्रगति के लिए और छुटमलपुर की प्रगति के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। तो क्या लगता है अगर अंकित यहाँ से जो है जीतता है तो वो क्या कुछ कर पाएगा विकास कार्य? जी बिल्कुल, इसलिए आप देखिए आज आपने देखा भी होगा प्रोग्राम में किसी एक समाज से नहीं, सभी जाति और सभी वर्ग से लोग आए हुए हैं, सबका समर्थन अंकित को सिर्फ इसलिए ही है कि उसने बिना पद पे रहते हुए भी लोगों की सेवा की है, और आगे भी जब उसको पद मिलेगा, चेयरमैन पद का उम्मीदवार वो बनेगा और जीतेगा चेयरमैन छुटमलपुर से, तो पूरी इसकी चौतरफा प्रगति होगी छुटमलपुर कस्बे की। हमको पूरा विश्वास है, सर्व समाज तो पूरा विश्वास है अंकित पे, आगे भी वो इसी तरह से लोगों की सेवा करता रहेगा। विक्रांत सैनी भी है जिन्होंने जो है जो यहाँ पे निर्दलीय प्रत्याशी, लेकिन जो है अब उन्होंने अपना जो समर्थन है जो है अंकित वर्मा को दे दिया, तो क्या कहेंगे इस पर आप? जो देखिए अंकित वर्मा एक ऐसा चेहरा है जो कि सर्व समाज के साथ मिलकर काम कर रहा है और आगे करेगा भी, तो उसी भावना को देखते हुए हमने भी आज आकर अंकित वर्मा का समर्थन किया है। लेकिन क्या लगता है जिस तरह से जो है भाजपा से जो है वो टिकट की मांग कर रहे थे लेकिन टिकट नहीं हुआ, और भाजपा की जो है दूसरी तरफ जो है प्रत्याशी है, तो इससे वोटों का बंटवारा नहीं हुआ? देखिए भाजपा का काम जो था वो भाजपा ने किया, अंदरूनी जो भाजपा का सिस्टम था भाजपा ने अपना ही सिस्टम खराब किया, उसमें अंकित वर्मा का टिकट काटा गया, सैनी समाज का टिकट काटा गया, तो इस चीज़ से कहीं मतलब हमारा समाज सभी इस चीज़ से खफा है, भाजपा से पूरा खफा है, इसीलिए हम लोगों ने भी निर्दलीय पर्चा भरा, और आज निर्दलीय पर्चा भरने के बाद भी मैंने खुद आकर अंकित वर्मा का समर्थन किया। तो क्या सैनी समाज ने भाजपा का बहिष्कार कर दिया चुनाव में? जी बिल्कुल, सैनी समाज भाजपा का बहिष्कार करता है इस चुनाव में, बिल्कुल पूर्ण रूप से बहिष्कार करता है। तो लेकिन भारतीय जनता सैनी समाज तो भारतीय जनता पार्टी का पक्का वोटर माना जाता है? देखिए ये जरूरी नहीं है कि भारतीय सैनी समाज भारतीय जनता पार्टी का पक्का वोटर है, ये नहीं है, कहीं भी नहीं लिखा है, आप लोग मुझे दिखाएं कहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसा नहीं माना जाता है ऐसा। सर देखिए मानने को तो बहुत कुछ माना जाता है, लेकिन ये चीज़ नहीं है कि सैनी समाज भारतीय जनता पार्टी का वोटर स्वतंत्र है, लोकतंत्र है, और सैनी समाज इस बार अंकित वर्मा के साथ है, पूर्ण रूप से साथ है और तन मन धन से साथ है। तो और भी लोग उनसे बात करेंगे आज भी, आप भी जो है उद्घाटन में पहुंचे, क्या कहेंगे इसमें? मेरा नाम अखिल बंसल है, मैं एक व्यापारी वर्ग से संबंधित हूं, वैसे समाज का मैं अध्यक्ष रहा हूं, और मैं तो सिर्फ ये मानता हूं कि वर्तमान में जो टिकट वितरण हुआ है, वितरण करने में जो भी लोग रहे उन्होंने सही तरीके से वितरण नहीं किया। इसके अलावा जितने भी यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं
वो ऐसा नहीं है। हम आज भी मोदी जी का सम्मान करते हैं, आज भी योगी जी का सम्मान करते हैं। अगर मोदी योगी जी की बात आती है तो हम उन्हीं के साथ हैं, लेकिन अगर नगर पंचायत में अध्यक्ष पद की बात आती है तो हमें थोड़ा मजबूरी हो रही है, क्योंकि हमारी अनदेखी की गई है, सभी लोगों की अनदेखी गई। जो लोग पुराने समय से कार्य कर रहे हैं, 30-30, 35-35 साल से दरिया बिछा रहे हैं भाजपा की, उसके बावजूद उनकी अनदेखी की गई है, तो उसके पश्चात हमें भी कुछ निर्णय लेना पड़ा मजबूरी बस, नहीं तो हम भी भाजपा कैडर के कोड बैटर है। हमने उस समय भी वोट दिया भाजपा को, जिससे 26,500 वोट निकलते थे, हमें पता होता था कि हमारा कैंडिडेट हारेगा, उसके बावजूद भी हम बीजेपी को वोट दिया करते थे। लेकिन आज हमारी मजबूरी है, हमें अपना भी सम्मान बचाना है और हमें पार्टी का सम्मान रखना है। आगे इन भविष्य में इससे ऊपर की जितनी भी इलेक्शन रहेंगे, हम बीजेपी के साथ थे, साथ हैं, साथ रहेंगे, लेकिन वर्तमान में हमारी मजबूरी है, हम अपनी बिरादरी के साथ हैं और सर्व समाज के साथ हैं और हम अंकित वर्मा को जिताना चाहते हैं। तो क्या लगता है भाजपा ने बहुत बड़ी गलती की है टिकट काट के? जी बिल्कुल, अंकित पिछले 10-12 सालों से पार्टी के साथ जुड़ा हुआ था और पार्टी के सभी तारियों में लगा हुआ था, और जो नए नए लोग पार्टी में जुड़े हैं उनको टिकट दे दिया गया, तो सर्व समाज ने यही लगा, सब कोई और भी समाज से लोग थे जो पार्टी के साथ बहुत समय से जुड़े हुए थे, लेकिन उन सबका टिकट कट गया, और जो नए लोग आए हैं उससे सब में विरोध है। ये ऐसा नहीं है कि किसी एक जाति या एक बिजनेस वाले लोगों का या किसी सरदारी वर्ग का किसी का, इस तरह से नहीं है, सब में ही रोष है, पूरा विरोध है। और अंकित को हम सब भारी मतों से इस बार चेयरमैन प्रत्याशी जिता के रहेंगे। आप भी यहाँ पहुँचे हैं आज उद्घाटन के कार्यक्रम में, क्या लगता है कैसे आप लोगों की जीत निश्चित है? देखिए, हम वैसे समाज से हैं और मैं वैसे समाज का अध्यक्ष हूँ, वर्तमान में भी हूँ और 10 साल पहले भी कार्यरत रहा हूँ, और हमारा भाजपा से पहले कोई विरोध नहीं था, न अब है। केवल रणनीति जो उसने की है उसके अनुसार उसने किसी भी प्रत्याशी को जो भाजपा के थे उनको टिकट नहीं दिया। केवल एक जो नई कैंडिडेट बाहर से आई, वो पहले भी दूसरे पक्ष में कांग्रेस में रही, उसको टिकट दिया। इससे भाजपा जितना भी वोटर है वो सारा उसके खिलाफ हो गया। हमारा लगभग 2,200 वोट है अपनी बिरादरी का, वो लगभग 100% अंकित वर्मा जी के साथ जाएगा। उसका कारण ये है, और जो सर्व समाज है, जैसे सैनी समाज है, सैनी समाज और वैसे समाज लगभग यहाँ 4,000 के करीब है, वो 4,000 का 4,000 वोट सारा अंकित वर्मा के पक्ष में जाएगा। उसके बाद जितनी भी बिरादरियाँ हैं वो सभी अंकित वर्मा जी के साथ हैं, चाहे वो कश्यप समाज हो, धीमान समाज हो, वाल्मीकि समाज हो, और आपका राजपूत समाज हो, राठौर समाज हो, जो भी समाज यहाँ है वो सब इस बार भाजपा के हैं सब, और सब जाएंगे अंकित वर्मा जी के साथ में। और भाजपा ने जो अपना कैंडिडेट उतारा है इस साल, उसको 500 से नीचे वोट की गणना में रहना पड़ेगा। ये हमारा अपना जो है एक लक्ष्य है जिसे हम प्राप्त करेंगे, ठीक है नहीं? और अंकित वर्मा जी को हम भारी बहुमत से जिताकर ले जाएंगे। अंकित वर्मा जी भी हमारे साथ में बातचीत कर लेंगे। अंकित जी क्या कहेंगे, आज उद्घाटन कर दिया है निर्दलीय, आप जो है चुनावी मैदान में आकर के खड़े हो, क्या लग रहा है अब आपको? देखिए, अंकित वर्मा का चुनावी कार्यालय नहीं है, ये सर्व समाज का कार्यालय है, सर्व समाज ही अंकित वर्मा है, इतना ही कहना चाहूँगा। भाजपा से आप जो है कार्यकर्ता रहे, अब अलग हो गए हैं, अलग होकर के चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जो है पार्टी को या कहीं उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज़ का? नहीं, जनता, ये तो जनता चुनेगी, पार्टी को देखना पड़ेगा कि असली भाजपा कौन है और नकली भाजपा कौन है, फर्क नजर आ जाएगा। तो अंकित वर्मा असली भाजपा? बहुत बढ़िया, बिल्कुल है, अंकित वर्मा असली भाजपा है, चुनाव चिन्ह हमारा सटल है, सटल पर मोहर लगाएं, असली को जिताएं। बहुत सारे लोगों ने आज जो है, जैसे कि बनिया समाज से, समाज से थे और सैनी समाज से थे, उन लोगों ने आपको समर्थन दिया है, तो क्या कहेंगे इस पर आप? उन ये समर्थन नहीं है, ये सर समाज की लड़ाई है, असली और नकली के बीच इसका ही सम्मान है, असली। सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये सर समाज का सम्मान है, अंकित वर्मा का सम्मान नहीं है। जिन लोगों ने आपको आज समर्थन दिया है वो आपसे एक आस लगा के बैठा है, उसके लिए क्या कहेंगे आप? जनता जो चाहेगी, जिस तरह चाहेगी उस तरह कार्य करेंगे, छुटमलपुर नगर पंचायत को प्रदेश में नंबर 1 पर पहुंचाएंगे, विकास की गंगा बहाएंगे, नंबर 1 ही कहलाएगा छुटमलपुर नगर पंचायत, प्रदेश में नंबर 1 कहलाएगी। तो अंकित जी हमारे साथ में थे और बहुत सारे लोग थे जो जिनसे हमने बातचीत की और जानने की कोशिश की, क्योंकि आज जो है भारतीय जनता पार्टी से जो है ये वरिष्ठ कार्यकर्ते थे, लेकिन इनका टिकट कटने की वजह से जो है अब पाला अलग हो चुका है, यानी कि मैदान में
दो प्रत्याशी है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को जिसने टिकट दिया है, दूसरी तरफ अंकित वर्मा जो कि निर्दलीय के रूप में जो है आकर के खड़े हुए हैं। और यहाँ पर जो है आज जो कार्यक्रम था, कार्यक्रम में जो है वैश्य समाज के लोग थे और सैनी समाज के जो एक व्यक्ति थे जो निर्दलीय चुनावी मैदान में थे, उन्होंने भी आज अपना समर्थन जो है अंकित वर्मा को दे दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि जो है छुटमलपुर की जनता किसे अपना प्यार आशीर्वाद देती है और जीत की माला जो है किसके गले पड़ती है। कैमरा पर्सन देव के साथ मोनू सैनी, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश।